वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। पहले हम सीक्वेंस को कवर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को पढ़ने से पहले सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रिकॉल करते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस को डिनोट करने का जनरल तरीका है। ए एन से मैं डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पर ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरीके से आपको इनफाइनाइट टर्म्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ये जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है सीक्वेंस में, इसको कहा जाएगा फर्स्ट टर्म। तो सीक्वेंस की ये टर्म्स कहलाती है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट एंट्रीज आएंगी और एक ऑर्डर्ड में आएंगी, ठीक है। अब इन टर्म्स में अगर आप प्लेस कर रहे हैं नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में किया है 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इसको ये कहलाएगी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप इसकी जगह प्लेस कर देते हैं 1, 1/2, 1/3, तो ये रैशनल नंबर है, तो इसको मैं कह सकती हूँ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रियल नंबर्स, जैसा कि मैंने यहाँ इरेशनल नंबर लिखा है जो कि एक रियल नंबर है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या फिर सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स में वैक्टर्स पुट कर दूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया वैक्टर v1, v2, v3, इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इनफाइनाइट कलेक्शन ले रही हूँ वेक्टर्स का, और एक ऑर्डर में मैंने उन्हें लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स। अभी हमको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में क्या रहेगा, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम डिनोट करेंगे एफ एन, इस तरीके से लिखेंगे आप सीक्वेंस को। जनरल टर्म क्या है, ये एफ, एफ डिनोट्स फंक्शन, और ये nth टर्म है, तो सब स्क्रिप्ट में आपको n लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक इनफाइनाइट कलेक्शन लेना है फंक्शन को और उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। यही क्या है, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी इससे। तो ये क्या हो गई, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन लिख रहे हैं, सेम भी रिपीट भी हो सकती है टर्म्स, ठीक है, लेकिन आप क्या लेंगे कि अलग अलग अगर फंक्शन है तो इनके डोमेन्स जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मान लो एफ वन का डोमेन है ए वन से आर पे जा रहा है, और ए वन जो है वो सबसेट होगा आर का। एफ टू का डोमेन है ए टू से आर पे, ठीक है। इसी तरीके से एफ एन का डोमेन क्या है, ए एन टू आर, ठीक है। ये ए आईज जो भी हैं, ये सारे के सारे क्या है, सबसेट ऑफ आर हैं। तो एक तो ये तरीका है कि सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो अलग डोमेन पे डिफाइंड है, लेकिन अगर ये अलग अलग डोमेन पे आप डिफाइन करेंगे तो आगे जो है वो कंसेप्ट, इनको आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके डोमेन जो है वो डिफरेंट है। तो एफ़ वन, एफ़ टू, एफ़ थ्री, एफ़ फोर, इन टर्म्स में कुछ रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे के कंसेप्ट पढ़ने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे के सारे फंक्शंस को एक ही डोमेन पर कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब आपको वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को कंसिडर करना है जिनके डोमेन क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करने वाली हूँ, कि ये जो एफ एन है, तो यहाँ पर एफ एन का कॉमन डोमेन है, ठीक है, वो ए से आर पे जा रहे हैं, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन का कलेक्शन लिया है, डिफाइंड ऑन डोमेन ए, और ए इज़ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें फंक्शन के डोमेन जो है, सारे के सारे फंक्शन के, इनफाइनाइट फंक्शन को कंसीडर किया गया है, और इनके डोमेन जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एफ एन एक्स, मैंने कुछ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया, एक्स बाय एन, और जो डोमेन है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब डोमेन क्या है, R है। इसका मतलब ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो R से R पे डिफाइंड है, ठीक है। इस वीडियो में हम वही फंक्शन कंसिडर करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स जो जिनकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या होगी, एफ़ वन एक्स कितना आएगा, तो यहाँ पर n की जगह आपको क्या रखना है, 1, तो वो आ जाएगा x बाय 1, दैट मीन्स x। एफ़ टू एक्स क्या आएगा, x बाय 2। एफ़ थ्री एक्स क्या आएगा, x बाय 3। और इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलेगी। अगर आपको इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है एफ एन एक्स को, तो आप इस तरीके से खोल कर लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म इज़ x बाय 2, थर्ड टर्म इज़ x बाय 3,
nth टर्म इज x बाय n, और इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, वो कहाँ से आएगा, R से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इस x को अगर मैं फिक्स कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल x को हम ले लेते हैं x इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ एन एक्स में आपको क्या करना है, x की जगह ज़ीरो पुट कर देना इस, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या होगा, x की जगह जैसे ही ज़ीरो रखेंगे आपको क्या मिलने वाली है, एक ज़ीरो सीक्वेंस, ठीक है। अगर x की जगह मैं वन रख दूँ तो एफ एन एक्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म x थी तो वन, वन बाय, यहाँ पर देख लेते हैं, x x बाय टू, x बाय थ्री इस तरीके से है, तो वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, और इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिलेगी। x इक्वल टू टू रखेंगे तो एफ एन एक्स जो है वो क्या मिल जाएगी, x की जगह टू रखना है तो टू, टू बाई टू, टू बाई थ्री, और nth टर्म क्या मिलेगी हमको, टू बाई एन, और इस तरीके से आगे की टर्म्स मिलती जाएंगी। अगर x की जगह आप माइनस वन रख दें तो एफ एन एक्स जो है वो क्या मिलेगी सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म x है तो माइनस वन, एक्स बाई टू, एक्स बाई थ्री, एक्स बाय एन, दैट मीन्स माइनस वन बाय एन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर x की जगह मैं रख दूँ माइनस टेन तो आपको एफ एन एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पर पहले x लिखना है, माइनस टेन, माइनस टेन बाय टू, माइनस टेन बाय थ्री, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सीक्वेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये जनरल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। यहाँ पर अगर मैंने x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ रख दी, ठीक है, अगर x को मैं फिक्स कर दूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर जैसे x इक्वल टू ज़ीरो रखा तो आपके पास एक क्या आ गई, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सभी क्या है, फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है और भी, कॉशी सीक्वेंस, ठीक है, वो सब हमें पता है। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। अभी हम पढ़ते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन। तो सीरीज ऑफ फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको देखने से पहले हम ना सीरीज ऑफ नंबर्स देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ए एन सीक्वेंस है, आपके पास कोई भी जनरल सीक्वेंस है जो कि आपने पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, अगर ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप सीरीज कैसे लेंगे, इसी इन्हीं टर्म्स का सम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, n फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3। तो आपके पास एक सीक्वेंस थी a1, a2, a3, ये आपके पास सीक्वेंस थी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे डिफाइन करनी है, इन्हीं टर्म्स का सम ले लेना है। इसका मतलब सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सम, इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्म्स का सम ले लिया गया है। तो क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स है तो वो सम कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, या फिर सीरीज क्या है, बेसिकली इनफाइनाइट सम को ही क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। अब सीरीज ऑफ फंक्शन का भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स बाय एन स्क्वायर एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। जैसे ही ऐसे समीशन, ये सिग्मा लिखा हुआ है और फिर अंदर कुछ टर्म्स जो भी लिखी हुई है, तो आपको समझ जाना है कि ये सीरीज लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल समीशन वन बाय एन स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है कि एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो पहले वन, वन बाय टू स्क्वायर, वन बाय थ्री स्क्वायर, तो ये क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। और हमने जो ये एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ साइन एक्स बाय एन स्क्वायर एक वेरिएबल है, साइन फंक्शन है, तो ये क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है। यहाँ पर जब आप एन की अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज ऑफ फंक्शन। इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले एन की जगह वन रखिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय फोर प्लस साइन एक्स बाय नाइन प्लस साइन एक्स बाय सिक्सटीन, और इसी तरीके से ये सम खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ फंक्शंस हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं पे बेस्ड कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं सीक्वेंस की, डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं, कॉशी सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, और इन पे बेस्ड थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।